1908 में मशहूर कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। 1934 में बिहार सरकार के अधीन दिनकर ने सब रजिस्ट्रार के पद पर काम करना शुरू किया। लगभग 9 वर्षों तक वह इस पद पर बने रहे। 1947 में बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष नियुक्त किए गए। 1952 में जब भारत की पहली संसद का निर्माण हुआ तो इन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वह दिल्ली आ गए। भारत सरकार ने दिनकर को 1965 से 1971 तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया। इसी दौरान इन्होंने ज्वारा उमरा, रेणुका, हुंकार और रसवंती आदि रचनाएं की। रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के चार अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार, चक्रव्यूह, आत्मजयी, वाज्रश्रवा के बहाने आदि इनकी नायाब रचनाएं हैं। दिनकर को अपनी बेहतरीन रचनाओं के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण समेत कई अन्य सम्मानों से नवाजा गया। 1939 में आज ही के दिन मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रायड का निधन हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से पढ़ाई पूरी कर 1881 में फ्रायड डॉक्टर बने थे। मरीज और डॉक्टर के बीच बातचीत के जरिए मनोविश्लेषण करने और उनके जरिए इलाज के तरीके ढूंढने की शुरुआत फ्रायड ने ही की थी। फ्रायड को इंसान का दिमाग शुरू से ही आकर्षित करता था और उसके रहस्यों को खोलने की जिज्ञासा उम्र भर उनमें कायम रही। चिकित्सा के साथ ही जीवन, मृत्यु, सेक्स, सपने और स्त्री पुरुष के संबंधों पर नई धारणाओं ने उन्हें एक महान वैज्ञानिक और विचारक बनाया। फ्रायड के सिद्धांतों और विचारों पर बहुत विवाद हुए थे। जर्मनी में नाजी शासन के दौरान फ्रायड और उनके विचारों का बहुत विरोध हुआ। इसके अलावा फ्रायड के विचारों को धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के विरुद्ध मानकर भी कड़ा विरोध किया गया। 1976 में ब्रितानी नौसेना का एक युद्धक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में 8 लोग मारे गए थे। इंग्लैंड के उत्तर पूर्व में बने HMS ग्लासगो नाम के इस जहाज का समुद्र में परीक्षण होने वाला था। यार्ड में बन रहे 3500 टन के इस जहाज से उतरने का केवल एक ही रास्ता खुला था। दूसरा रास्ता मरम्मत के लिए बंद किया गया था। इस जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह एक लीक कर रहा ऑक्सीजन टैंक था। जहाज पर किसी वेल्डिंग मशीन के पास धमाके से आग लग गई और चारों तरफ गहरा काला धुआं भर गया। और 1983 में गल्फ एयर के यात्री जहाज को हवा में विस्फोटक से उड़ा दिया गया था। पाकिस्तान के कराची हवाई अड्डे से इस विमान ने उड़ान भरी थी। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी और दुबई के बीच इस हवाई जहाज में रखे सामान में विस्फोट हो गया। इस धमाके में विमान में सवार चालक दल के 7 सदस्यों और सवार सभी 105 यात्री मारे गए थे। मारे गए यात्रियों में ज्यादातर लोग पाकिस्तानी थे जो ईद की छुट्टियों के बाद काम पर वापस जा रहे थे। इस विस्फोट के पीछे फिलिस्तीनी चरमपंथी नेता अबू निदाल के होने का अंदाजा लगाया गया।